तो भाई जिसे फैंस इंडिया की सबसे बड़ी मूवी कह रहे हैं, उस कल की मूवी का कल आखिरी टीजर ट्रेलर आ चुका है। जब इस ट्रेलर को कल की 1928 AD द वॉर फाइट करके इंट्रोड्यूस किया गया है। जहाँ इसका ये नाम क्यों रखा है आगे बात करते हैं, पर ये ट्रेलर भाई मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। जहाँ भाई इसमें कुछ हाइप करने वाले मोमेंट्स तो थे, पर ट्रेलर में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं दिखाया गया है। जब पिछले ट्रेलर में इस यूनिवर्स की हमें थोड़ी बहुत कहानी एक्सप्लेन की गई थी, और इस ट्रेलर में उसी कहानी के एक छोटे से सब पार्ट को दिखाया गया है। जब प्रभास और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में स्ट्रगल्स होंगे ये तो हमें पिछले ट्रेलर से ही पता चल गया था, पर इस ट्रेलर में हमें ये पता चलता है जब प्रभास और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की लड़ाई एक से ज्यादा बार होंगी, जब फर्स्ट टाइम अपनी बाउंटी कलेक्ट करने आएंगे तो अश्वत्थामा के सामने वो भाई नहीं टिक पाएंगे और बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएंगे। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का एक ही रोल होगा कि वो सुमिति माता को प्रोटेक्ट करे, और शायद इसमें हमें एक महाभारता की भी काफी बड़ी सीक्वेंस देखने को मिल सकती है, जहां हमें अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ से स्टोरी देखने को मिलेगी, और वो प्रेजेंट टाइम में अपने इन्हीं किए हुए पापों का रिडेम्पशन करेंगे, जो कि होगा अपनी द गॉड ऑफ मदर द सुमिति माता को प्रोटेक्ट करके, क्योंकि वर्तमान समय में कल की भगवानी है जो इस दुनिया को बचा सकते हैं, जाए उनका कर्तव्य और जरूरत भी बन जाएगी। और भाई मैं ये क्लियर कर दूं कि प्रभास कल्कि नहीं है। प्रभास के कैरेक्टर का नाम भैरवा है, जो कि भाई कल्कि के फादर भी नहीं है, पर वो एक गार्डियन के तौर पे हमें दिखाया जा सकते हैं। जब स्टार्टिंग में तो प्रभास को वो बाउंटी चाहिए होगी, पर स्टोरी के नैरेटिव और इतने सारे लोगों को सफर करता देख एंड तक आते आते उनके मोटिवेशन चेंज हो जाएंगे, और वो खुद अश्वत्थामा के साथ मिलकर सुमिति माता को प्रोटेक्ट करने लगेंगे। और हो सकता है कि इसमें अश्वत्थामा की हमें डेथ भी देखने को मिले, जो कि भाई बेबी कल्कि के हाथों से हो सकती है, जिसके बाद इस यूनिवर्स की बैकडोर भाई प्रभास के कंधे पर आ जाएगी और वो आगे इस यूनिवर्स को कैरी ऑन करेंगे। पर भाई अगर सूत्रों की माने तो प्रभास कल्कि को प्ले नहीं करने वाले हैं, बल्कि कल्कि के लिए कोई एक अलग ही एक्टर कास्ट किया जाएगा, जिसकी स्टोरी सेकंड पार्ट में कंटिन्यू होगी। जा साथ ही ये मूवी एक ट्रिलॉजी की तरह काम करने वाली है, मतलब इसमें तीन मूवीज आएंगी। इसके बाद भाई ट्रेलर के एंडिंग शॉट के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का इंस्पिरेशन डीसी कॉमिक्स के बैटमैन से लिया जा रहा है। जब पहले तो हमें बैटमोबाइल की जगह बुज्जी द कार देखने को मिली, और ट्रेलर के एंड में हमें नाइट क्रॉलर भी देखने को मिला। इस यूनिवर्स में उसे क्या कहा जाता है मैं जरूर से जानना चाहूंगा। बाकी भाई तुम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो कमेंट्स में जरूर बता सकते हो।